हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण की दुनिया। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ छेना खीर, और ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, और मीठे में खाना खाने के बाद इसे हम सर्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर बनाते हैं छेना खीर। छेना खीर बनाना काफ़ी इजी होता है, तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है, ये छेना बनाने के लिए मैंने लिया है फुल क्रीम, 1 लीटर दूध, और ये शक्कर कम से कम 300 ग्राम है, और ये लिए हैं कुछ मेवे, जो 2 छोटी इलायची है, पिस्ता है, काजू बादाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम रेडी करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, एक मैंने नींबू लिया है ये छेना फाड़ने के लिए। तो ओके, फिर रेडी करें। ये देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी के लिए, सॉरी, दूध गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा। बस इतना ही हमें करना है, कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अब इसे हम हटा देंगे। इस पे रख देंगे दूध छेना फाड़ने के लिए। फ्रेंड्स, जब तक ये दूध उबलता है, तब तक हम अपना ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, और जब दांत के नीचे आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स वैसे भी काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं, और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दूध उबल चुका है। अब इसे मैं नीचे उतार लेती हूँ और गैस ऑफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जब तक दूध ठंडा हो रहा है, 5 मिनट के लिए हम इसे ठंडा कर लेंगे, और तब नींबू नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए, ये हमारी रबड़ी है, रबड़ी भी रेडी है। अब इसमें हम सारे मेवे ये ऐड कर देंगे, और शक्कर ऐड कर देंगे। हमें इसे 2 मिनट और पका लेना है, अच्छे से गाढ़ा हो जाए और चीनी भी घुल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये नींबू निचोड़ लिया है, अब इसे हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, जितना हमने पानी लिया था उतना, जितना हमने नींबू लिया था उतना हमें पानी लेना है। और ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा हम दूध में डालते जाएंगे, इसे चला देंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर चला देंगे, और छेना आराम से बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा छेना बनकर रेडी हो गया है, और काफ़ी सॉफ्ट बनता है अगर आप मलाई नहीं निकालते हैं तो। अब इसे किसी हम कपड़े में छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये छेना बनकर रेडी है। अब इसे हम बहुत अच्छे से इसे मसलेंगे, जब तक कि इसकी गोलियां ना बनने लगे। इसे कम से कम हमें 5 से 6 मिनट तक खूब रगड़ना है, और खूब अच्छे से आटे की तरह बनाना है, जिससे गोलियां बन जाएं काफ़ी चिकनी चिकनी फटने। इससे अगर हम इसको खूब अच्छे से मैश कर लेंगे तो हमारी गोली फटेगी नहीं, और काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट छेना बनेगा। फ्रेंड्स, जब तक हम मैश करते हैं, इसमें मैंने रख दिया है वाटर, पानी। ये देखिए, ये उबल रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर, जो हमने चाशनी बनाने के लिए ली थी। इसी में हमें छेना उबालना है, इसे भी इसी में मिक्स कर देते हैं। शक्कर घुलने तक इसे हम उबालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी हमारी काफ़ी उबल रही है, और तेज आंच पे ही। और ये देखिए, ये मैंने छेने की गोली बना ली है, इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बनाना है, ये काफ़ी चाशनी उबलती हुई रहे, बिल्कुल गैस
गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम या लो नहीं करनी है, ऐसे ही तेज रखना है। और कम से कम इसे 10 मिनट तक ऐसे बॉयल करना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कम से कम 2 सीटी लगने तक उसको उबाल लीजिए। ये देखिए गोलियां काफी बड़ी हो रही हैं। इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे, ढककर पकाएंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा छेना बनकर रेडी हो गया। और देखो मैंने 2 छेने बड़े बड़े बनाए हैं। अब इसे मैं उतार देती हूँ। और जो ये रबड़ी है ना, इसे हम थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लेंगे और इलायची डाल देंगे कूट कर, जिससे इसे अच्छी महक आती है। फ्रेंड्स अब रबड़ी को हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में और गैस ऑफ कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने रबड़ी निकाल ली है इस बाउल में। अब हम छेना देख लेते हैं और छेना भी निकाल लेंगे। अब मैं एक एक छेना इसमें से निकाल कर चाशनी भी, क्योंकि अगर आपको कम मीठा खाना है तो आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी पड़ा है मीठा, तो इसे हम सारा मिला देंगे। और ये मैं मिला देती हूँ पिस्ता, और एक में मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। और इसे मैं कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी, तो इससे काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और खाइए। अपना अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।